हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं कोकी क्लैन। तो उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे हैं, मजे में हैं, बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हैं एंड मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। मैं आपको बताती हूँ क्यों वो स्पेशल है, क्योंकि मेरे पास आज आप लोग के लिए एक स्पेशल गेस्ट है और वो कोई और नहीं है, वो मेरी मम्मी है। तो आज मेरी मम्मी है, अपने आपको मम्मी अपने आपको इंट्रोड्यूस कीजिए आप। मैं हूँ सुनीता की मम्मी, जो की वो चलाती है अपना वीडियो, और इसने बहुत रिक्वेस्ट किया कि मेरे साथ में मम्मी चलो चलो कुछ तो बनाकर मेरे व्यूअर्स को दिखाओ। तो इसलिए आज मैं आप लोगों को मटर तिल की चटनी या अचार बनाना बताती हूँ। तो मम्मी, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो मटर तिल का जो अचार है, जिसे हम चटनी भी कह सकते हैं, वो हमारा एक्चुअली, अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो मेरा जो मदर टंग है वो नेपाली है। एंड ये जो रेसिपी है ना, ये बिल्कुल ऑथेंटिक और एकदम पुराना रेसिपी है। अगर कोई भी नेपाली है, अगर उसने ये रेसिपी नहीं बनाया तो वो पक्का नेपाली कभी कहला ही नहीं सकता। तो ऐसा तो कोई त्योहार, ऐसा तो कुछ, कोई भी ऐसा फेस्टिवल है उसके अंदर में अगर ये रेसिपी नहीं बना तो वो फेस्टिवल ही इनकम्प्लीट है के बगैर। तो बेसिकली इस जो रेसिपी है, इसे ठंडी में खाया जाता है एंड आप इसे एक वीक तक स्टोर करके भी रख सकते हैं एंड बहुत ही मजे का ये रेसिपी बनता है। मम्मी, थोड़ा सा आप बताइए इस रेसिपी के बारे में। हाँ, इसमें जो तिल डलता है, अदरक है, मिर्ची है, ये सब गर्म है, उसको आप खाएंगे ठंडियों में तो शरीर हीट रहेगा और खांसी सर्दी जो भी है वो भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए आप बनाइए और जरूर खाइए। और एक और चीज मैं आप लोग से कहूंगी, आप लोग सब लोग रिलेट करेंगे, तो जो हमारी जो मम्मियां होती है ना, वो कभी भी नाप तौल कर नहीं बनाती, वो अपने अंदाजे से बनाती है पर बहुत ही अच्छा बनाती है। उनको ये सब क्वांटिटी वाइज इनको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने टेस्ट और अपने क्वांटिटी के हिसाब से बनाते हैं। तो उस चीज को थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कीजिएगा। फिर भी हम लोग ने ट्राई किया है, सारे जो इन्ग्रीडियंट्स हमने यूज किए थोड़ा थोड़ा नाप करके हमने लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, आप जितने लोगों के लिए बना रहे हैं, आप वो उस पर ध्यान रख के आप इस रेसिपी को बनाइएगा एंड जरूर आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप लोगों ने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मम्मी, स्टार्ट करते हैं। चलिए, जल्दी से बताइए कि ये जो चटनी है उसे बनाने के लिए हमें कौन सी चीजें चाहिए। सबसे पहले तो हमें भीगा हुआ मटर चाहिए, ठीक है, उबला हुआ आलू, ओके, मूली, अदरक और हरी मिर्च, ओके, और तिल जो सबसे जरूरी है, क्योंकि हम तिल और मटर की चटनी बना रहे हैं। और ये सरसों तेल है जो कि इसमें बनता है, सरसों तेल से तभी स्वाद आता है। ओके, नींबू का रस, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, मेथी और नमक। तो मम्मी, ये बताइए कि आपने ये जो तिल है ये डायरेक्टली पीस दिया है? पहले इसको रोस्ट करना है, उसके बाद इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है। ओके, ठीक। चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मम्मी, पहले आप इसमें क्या कर रही हैं? मैं अभी तेल गरम कर रही हूँ। जब ये तेल गरम हो जाएगा तो फिर मैं इसमें मेथी डालूंगी। ठीक है, ओके। तेल हमारा गरम हो गया है तो अब मैं इसमें मेथी डालूंगी, एक चम्मच मेथी। बटू तू जा यहाँ से, यहाँ वीडियो शूटिंग चल रही है। बटू तू जा। मेथी हमारे हो गए हैं, तब उसके बाद मैं ये हरी मिर्च और अदरक डालूंगी। मैंने गैस को मीडियम में रखा है। इसको भूनना नहीं है, इसको थोड़ा सोते करना है। तो अब हमारे मिर्ची और अदरक सोते हो गए हैं, तो अब इसमें मैं सूखे मसाले डालूंगी, हल्दी, मिर्ची, धनिया। तो ये सब कितने कितने आपने लिए हैं मम्मी? एक एक चम्मच ली हूँ। अच्छा, मिर्ची 2 चम्मच है,
अच्छा, तो फ्रेंड्स आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से आप ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमने एक चम्मच लिया तो आप भी एक चम्मच ले, लेकिन आपको अगर तीखा ज़्यादा पसंद है आप तीखा ज़्यादा भी ले सकते हैं। फिर बताइए मम्मी फिर क्या करना है? जब ये भुन जाए मसाले तो उसमें हम तिल डालेंगे। तो ये जो तिल आपने लिया है ये हमने रोस्ट पहले किया है, एंड क्वांटिटी बता सकते हैं आप अपने कितना लिया है? मैंने आधा कटोरी जैसा तिल होना चाहिए। अच्छा, जो पीस के फिर एक कटोरी जैसा हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों आपको भी समझ में आ गया होगा, पहले हम अपने सूखे मसाले को अच्छे से भूनेंगे, देन हम इसमें तिल का पेस्ट ऐड करेंगे। ठीक है, अगर आपका मसाला चिपक रहा हो नीचे से तो उसमें पानी थोड़ा डाल दीजिए और उसको अच्छे से भून लीजिए। ओके, तो मम्मी मुझे ये बताइए कि सबसे पहले आपने ये रेसिपी कब बनाई थी? ये तो मुझे याद नहीं है कब बनाई थी, बहुत दिन हो गए बनाते हुए, और जब मैं ससुराल आई थी शादी करके उसके बाद ही मैंने ये सीखा है, और खाया तो बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं सोची क्यों ना मैं भी बनाऊं, और फिर मैंने बनाना शुरू कर दिया। मतलब मम्मी आप तो बहुत लॉन्ग टाइम से ये बना रहे हो फिर तो। मसाले तो भुन गए, अब नमक डाल देते हैं। अब मसाले हमारे अच्छे तरीके से भुन गए हैं, उसके बाद हम डालेंगे नींबू का रस और इसको मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा नींबू का रस अच्छे तरीके से मिल गया है, इसको थोड़ा देर और भूनेंगे, उसके बाद हम डालेंगे आलू। सबसे पहले आलू डालना है। आलू को भी अच्छे तरीके से मसालों में मिला लेना है और थोड़ा देरी भूनना है इनको मसालों के साथ में। उसके बाद हम डालेंगे मटर जो मैंने पहले ही भिगो के रखा था। आप इसको स्टेप बाय स्टेप ही डालिए, नहीं तो क्या होगा कि मटर ज़्यादा गल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आगे आलू डालें फिर मटर डालें और उसको अच्छे तरीके से मिला लें मसालों में। तो बेसिकली फ्रेंड्स हमें इसकी सब्जी नहीं बनानी है, ये अचार की तरह खाया जाता है, इस वजह से जो भी सारी सब्जियां होती है इसमें रॉ ही रहती है, क्रंची रहती है, बस हमें थोड़ा सा उन्हें गलाना है, लाइक 62 मतलब हमें कच्चा ही रखना है इन सबको, ऐसा नहीं कि सब्जी की तरह हमको मटर को गलाना है, इसलिए हमने सिर्फ आलू को बॉयल लिया है, बाकी सारे सब्जियां इसमें रॉ रहने वाली है और बस क्रंची के लिए हम इसको थोड़ा सा पका रहे हैं। तो इसमें हम मसालों में मिला रहे हैं ताकि हमारा अच्छे से मिल जाए और खाने में क्रंच रहे। इसको बॉयल जैसा नहीं करना है, बस इसको थोड़ा सा मसालों के साथ में अच्छे तरीके से मिला लेना है। अब हमारा अच्छे तरीके से मिल गया है, अब इसमें हम डालेंगे मूली। मूली को भी ज़्यादा हमें भूनना नहीं है, बस हल्का सा भून के निकाल देना है। एंड इसमें से अगर कोई सब्जियां अगर आपको नहीं पसंद है, वैसे अगर ऑथेंटिक और ट्रेडिशनली कहें तो ये सब सारी चीज़ें तो इसमें डलती ही है, लेकिन अगर इसमें से अगर आपको कोई भी चीज़ अगर नहीं पसंद है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, बट अगर टेस्ट तभी आएगा जब आप इन सारी चीज़ों को आप डालेंगे, बट चॉइस आपकी है। मटर के बिना भी और मूली के बिना भी ये बनेगा नहीं अच्छा, इसलिए आप ज़रूर डालें, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है अचार के जैसा, एंड हेल्दी तो है ही। इसको आप कब कितने दिन चाहे उतना दिन तक रख सकते हैं, जितना पुराना होगा उतना अच्छा लगेगा खाने में आपको। तो हमारा अच्छे तरीके से अब मसाले मिल गए हैं, एंड बस अब ये रेडी है खाने के लिए, हम जस्ट इसको अब सर्व करेंगे अच्छे से मिला करके। तो हमारा ये मटर और मूली का अचार रेडी हो चुका है, अचार बोले चटनी बोले, हम तो इसे चटनी बोलते हैं बट अचार भी कह सकते हैं बिकॉज हमने सारे इन्ग्रीडियंट्स इसमें रॉ ही रखे हैं। तो ये हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है, तो अब मैं आपको ये सर्व करके बताती हूँ। तो बहुत ही आसानी से बनने वाली एकदम झटपट रेसिपी है ये, आप लोग बिल्कुल ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। तो ये मैं खा के बताती हूँ कैसी बनी है। हम्म,
मम्मी एक नंबर टेस्ट कर लो। बहुत ही टेस्टी है। आपको मैं एक सलाह देना चाहती हूँ कि अचार को जब भी आप बनाएं, थोड़ा नमक ज्यादा और खट्टा और तीखा ज्यादा करें तो भी स्वाद आएगा इसमें। खट्टा तीखा और थोड़ा सा नमक ज्यादा, जितना आप सब्जी में डालते हैं उससे थोड़ा ज्यादा डालिए, तभी टेस्ट आएगा। बहुत फ्रेंड्स बहुत टेस्टी बना है ये, सीरियसली बता रही हूँ आप लोग को, बिल्कुल ये ट्राई करना ही चाहिए एक बार। एंड हम लोग इसको एज अ साइडर लेते हैं, मेन कोर्स सब्जी की तरह नहीं होता ये, साइडर की तरह होता है। एंड टेस्ट बहुत ही एकदम, मैं क्या बता नहीं सकती, आप लोगों को ये बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। एंड अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को वायरल कीजिए आप लोग प्लीज, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, सीरियसली बता रही हूँ। तो इसी के साथ अलविदा कहती हूँ, मिलूंगी एक नेक्स्ट टॉपिक में एक अच्छे से वीडियो को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय मम्मी, बाय। और बताओ ना, बोलो ना कि मेरे बेटी के वीडियोस को, हाँ मेरी बेटी का वीडियो आप लोग देखिए, इसका और मनोबल बढ़ेगा, आप लोग देखेंगे व्यूअर्स बढ़ेंगे, इसको भी अच्छा लगेगा। तो आप देखते रहिए और इसको प्रोत्साहित कीजिए। इसी उम्मीद के साथ मैं बाय बोलती हूँ। बाय।